हेलो फ्रेंड्स, आ गए आप लोग। मैं आप ही का वेट कर रही थी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, अब आने वाली है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा पे बनता है खीर और खाजा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खीर और खाजा। सबसे पहले मैं बनाऊँगी खीर। तो चलिए देखते हैं खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, 1/4 कप चावल, मैंने बासमती राइस यूज़ लिए हैं, आप जो चाहें यूज़ ले सकते हैं, 1/2 कप से ज़्यादा मैंने चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ ले सकते हैं, 1 चम्मच शुद्ध घी लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, 1 चम्मच मिल्क में मैंने कुछ केसर के लच्छे भिगो के रखे हैं, ये है मलाई, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो इसे यूज़ ना लें। सबसे पहले हमें क्या करना है कि गैस पर एक भारी तले का भगोना या पतीला चढ़ाना है, उसमें हमारा दूध हमें डाल देना है और उसे उबलने देना है। जब तक दूध उबलता है तब तक हम हमारे चावल को अच्छे पानी से 3 से 4 बार के लिए धो लेंगे, यानी कि साफ़ कर लेंगे अच्छे से, ताकि इनमें कोई कचरा ना रहे। अब धुले हुए चावल पे हम घी डालकर मिक्स कर लेंगे। घी डालने से होता ये है कि चावल जो है वो तले पे नहीं लगता है और टेस्ट भी बहुत मस्त वाला आता है। ये देखिए, मैंने घी मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमारा दूध भी उबल चुका है। अब हम गैस की जो फ्लेम है उसे बिल्कुल सिम कर देंगे और इसे उबलने देंगे जब तक ये 3/4 ना रह जाए। अब हम इसमें हमारे चावल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें पकने देंगे। इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि चावल जो है तले से ना लगे। अब हम थोड़ी देर में हमारी मलाई डाल देंगे फेंट करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कुछ देर बाद हम इसमें हमारा केसर वाला जो दूध था वो डाल देंगे और इसी समय पर हम हमारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी हमारी खीर पे डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताकि ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से पक जाएं। अब देखिए, हम देखेंगे कि हमारे चावल पके हैं या नहीं। इसके लिए हम कुछ थोड़े से चावल को कटोरी में निकालेंगे और चेक करेंगे कि हमारे चावल पके हैं या नहीं। देखिए, हमारे चावल पक चुके हैं। जब चावल पक जाएंगे तब हम इसमें हमारी जो चीनी थी वो डाल देंगे और चीनी के घुलने तक इसे पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। अब देखिए, हमारी खीर में ऊपर अच्छे से मलाई भी आ चुकी है, खीर हमारी थिक हो चुकी है, चावल पक चुके हैं, चीनी गल चुकी है, तो इसका मतलब हमारी खीर रेडी है। देखिए, हमारी खीर रेडी है। अब हम बनाएंगे खाजा। हमारे यहाँ पे खाजा जो है फीका बनता है, बट मुझे उसमें थोड़ी कुछ कमी महसूस होती है, तो मैं उसमें थोड़ा सा चीनी का पाउडर डालूंगी। खाजा बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 कटोरी मैदा, थोड़ा सा शुगर पाउडर लिया है, पानी आटा गूंथने के लिए, घी मोयन के लिए और तेल तलने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा मैदा है उसे हम एक बाउल में डाल लेंगे और उसमें घी का मोयन
डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयन हमें उतना डालना है जितने में हमारी मुट्ठी जो है बंधने लग जाए। ये देखिए, ये मुट्ठी बनने लगी है, हमें इतना ही मोयन डालना है। और अब हम इसमें चीनी का पाउडर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। मुझे थोड़ा फीका लगता है इसलिए मैं चीनी का पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसे पानी डालकर अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखिए हमारा आटा रेडी है। हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे। 5-10 मिनट बाद हम आटे से छोटी लोई बनाएंगे और इसे बेल लेंगे। इसे हमें बिल्कुल पतला पतला बेलना है। अब हम इसमें काटे या चाकू की सहायता से छेद कर लेंगे दोनों तरफ, ताकि तलते वक्त ये फूले नहीं। देखिए इसी तरीके से हम सभी खाजा तैयार कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे और उसमें तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब हमारा तेल जो है वो गर्म हो जाएगा तो हम उसमें तैयार किए हुए खाजा डालकर मध्यम आंच पे इन्हें फ्राई कर लेंगे। जब खाजा फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारे खीर और खाजा। इसे हम भगवान को भोग लगाकर अच्छे से इसके मज़े लेंगे।